लेट इज सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ स्टार्टिंग. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लें. इसमें लिखा है इट इज डिजायर्ड टू इंस्टॉल अ थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. इस मोटर के अंदर दे हैव गिवन व्हाट द कंडीशन इज. रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम लाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम 400 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई. कितना करंट पर हमने रेस्ट्रिक्ट करना है मैक्सिमम करंट? 120 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो समझने वाली बात यह है कि ये मोटर ज्यादा से ज्यादा कितना करंट विदस्टैंड करेगी? 120 एम्पियर. और स्टार्टिंग करंट इज सिक्स टाइम्स फुल लोड करंट इज व्हाट? हाउ मच? स्टार्टिंग टर्म. तो इस मोटर को जिसको भी हमें डिजाइन करना है, इसमें सबसे पहले हमें देखते हैं मैक्सिमम करंट 120 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, मशीन की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट से 6 गुना हो पाए, बस इससे ज्यादा नहीं. तो हमें देखना है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल फुल लोड केवीए ऑफ द मोटर. परमिसिबल फुल लोड केवीए हमें निकालना है कब कब? तीन कंडीशन दी हुई है. पहली है जब हमने मोटर को डायरेक्टली मेन से कनेक्ट करना है. दूसरी कंडीशन है कि जब मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर पर 60% टैपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, माने इसका जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है 60% ऑपरेटिंग कंडीशन पर मोटर को हमें सप्लाई से कनेक्ट करना है, तब केवीए कितना होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन निकालना है कि मोटर को हमें स्टार्ट डेडलॉक स्टार्टर के साथ भी डिजाइन करके देखना है. वहां भी हमें वही याद करना है कि मैक्सिमम करंट 120 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्टार्टिंग करंट 6 टाइम्स फुल लोड करंट के जैसा हम रख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग. यहाँ पर हमें क्या कंडीशन मिली? मैक्सिमम करंट IL शुड बी 120 एम्पियर, है ना, और स्टार्टिंग करंट शुड बी 6 टाइम्स फुल लोड करंट. तो इसकी वजह से हम स्टार्टिंग करंट को मैक्सिमम लाइन करंट के हिसाब से 120 एम्पियर रखना है. तो दिस शुड बी इक्वल टू नॉट मोर देन 120. यहां से हमें करंट क्या मिल गया? फुल लोड करंट 120 डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज 20 एम्पियर, राइट. तो हमारा फुल लोड करंट की रेटिंग ये आ गई. उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम परमिसिबल रेटिंग केवीए ऑफ इस मशीन की क्या हो सकती है ना, विद दीज डिजाइन पैरामीटर्स. तो मैक्सिमम परमिसिबल रेटिंग केवीए हम कैसे निकालते हैं? थ्री फेज मशीन है, रूट 3 इंटू VL इंटू फुल लोड करंट. ओके, तो इसमें रूट 3 तो यहाँ है, VL कितना दिया हमारा? 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज. अगर वी फेज होता तो हमें 400 बाय रूट 3 करना था और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता 3. ठीक है, अब हमें रखना है फुल लोड करंट जो कि हमने यहाँ से निकाला है 20 एम्पीयर. तो इस तरह से केवीए रेटिंग मोटर की कितनी हो गई? 13.856 केवीए. ओके, तो ये तो पहली कंडीशन था जबकि हमें मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन रखना था. ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ 60% टैपिंग रखनी है. स्टार्टिंग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में हमने देखा है स्टार्टिंग करंट शॉर्ट सर्किट करंट के एक्स स्क्वायर टाइम्स होता है ना, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है. और इस शॉर्ट सर्किट करंट कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर इंटू 6 टाइम्स फुल लोड करंट एज पर अ न्यूमेरिकल. स्टार्टिंग करंट हम 120 एम्पियर से ज्यादा नहीं रख सकते. टैपिंग हमारी है 0.6, दैट इज 60%, और 6 टाइम्स फुल लोड करंट. तो अब हमारा फुल लोड करंट हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर पाए, विच विल बी कमिंग एज I फुल लोड इज इक्वल टू 55.55. यू कैन सॉल्व एंड चेक 55.55 एम्पियर, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 0.6 स्क्वायर इंटू 6, राइट. तो मैक्सिमम परमिसिबल रेटिंग ऑफ मोटर अब हम इस केस में ऑटो ट्रांसफॉर्मर टेबिंग के साथ कैसे निकाल सकते हैं? केवीए वुड बी रूट 3 VL IFL, जैसा कि हमने देखा रूट 3 इंटू 400 वोल्ट इंटू फुल लोड करंट कितना आया है हमारा? 55.55. तो अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर टेपिंग के साथ मोटर की केवीए रेटिंग कितनी एनहेंस हो गई कंपेयर टू
डायरेक्ट ऑनलाइन फ्रॉम 13.85 टू 38.49 केवीए। तीसरा केस बनता है, हम चाह रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में वी नो दैट स्टार्टिंग करें, ये हमारा पहला केस था डायरेक्ट ऑनलाइन का। दूसरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर टैपिंग विद 60% टैपिंग। तीसरा मैं बात कर रही हूँ, हमारे क्वेश्चन में दिया है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, जिसमें कि हमें पता है स्टार्टिंग करंट इज 1/3 टाइम्स 6 फुल लोड करंट, दैट इज मैक्सिमम करंट पॉसिबल। ओके, तो इस केस में हमारा फुल लोड करंट कितना हो जाएगा? आई फुल लोड वुड बी इक्वल टू 120, 6/3 इज ऑलरेडी 2, सो हियर वी गेट 60 एम्पीयर। ओके, तो फुल लोड करंट हमें मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल केवीए रेटिंग फ्रॉम दिस सेम इक्वेशन। सो केवीए वुड बी √3 इंटू 400 वोल्ट इंटू 60। सो नाउ वी हैव गॉट आंसर ऑफ केवीए रेटिंग विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग एज 41.56 केवीए। तो अगर हमें मोटर चाहिए है ज्यादा केवीए की, वी हैव टू ऑप्ट फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। ऑलमोस्ट सिमिलर इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, और डायरेक्ट ऑनलाइन में हम सिर्फ इतना केवीए रेटिंग देख पा रहे हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में डाटा फीड करते हैं, तो हम इन स्टार्टिंग मेथड्स की कंपैरिजन करके बेटर डिसीजन ले पाते हैं।